धातुओं की समरूप से अभिक्रिया नहीं होती है। तांबे की एक स्वच्छ तार तथा लोहे की एक कील ले। तांबे की तार कॉपर सल्फेट के विलयन वाली परख नली में बी में डाले और लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन वाली परख नली ए में डाले और कुछ देर तक निरीक्षण करें। कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे बदलकर हरे रंग का होने लगता है और लोहे के कील पर भी तांबे की परत चढ़ने लगती है। यह अभिक्रिया पहली परख नली ए में हो रही है, पर दूसरी परख नली बी में तांबे और फेरस सल्फेट के बीच में कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है। परख नली ए में हो रही अभिक्रिया को समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा, CuSO4 plus Fe gives FeSO4 plus Cu। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोह धातु ने तांबे को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि लोहा धातु तांबे इस धातु की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। वैज्ञानिकों ने अनेक विस्थापन अभिक्रियाओं के प्रयोगों के जरिए अभिक्रियाशीलता की श्रेणी बनाई है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में की गई व्यवस्थाओं को धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के निम्न प्रकार से समूह बनाए गए हैं। पहला, अधिक अभिक्रियाशील धातु के और Na, मध्यम अभिक्रियाशील धातु Mg और Ag, कम अभिक्रियाशील धातु Ag और Au एटसेट्रा। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। हम पदार्थों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के बारे में जानते हैं। राजवायु का बाह्यतम कवच पूर्ण होने के कारण वे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सहभागी नहीं होते हैं, अर्थात रासायनिक दृष्टि से वे निष्क्रिय होते हैं। यदि हम कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखें, तो हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण नहीं होते हैं और इन्हें पूर्ण करने की प्रेरक शक्ति से अर्थात ड्राइविंग फोर्स से अभिक्रियाएं करके धातु या अधातु अपने निकट के राजवायु का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। Na gives Na plus इलेक्ट्रॉन, Cl plus इलेक्ट्रॉन gives Cl minus, Na plus Cl gives Na plus और Cl minus। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन अर्थात धनायन बनते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का स्वीकार कर ऋणायन बनते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातु निद्युत पदार्थ है, वे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आवेशित आयन बन जाते हैं। अधातु भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में कम समानता वाले तत्वों का समूह है। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर अम्लधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। उदाहरणार्थ C plus O2 पूरे ज्वलन पर CO2 अम्लधर्मी बनता है। S plus O2 अपूर्ण ज्वलन पर SO2 अम्लधर्मी बनता है। कुछ उदाहरणों में उदासीन ऑक्साइड्स भी तैयार होते हैं। 2C plus O2 अपूर्ण ज्वलन पर 2CO बनता है, जो उदासीन है। सामान्यतः अधातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इसमें अपवाद हैलोजन्स का है। क्लोरीन पानी में घुलने के बाद हाइपोक्लोरियस अम्ल तैयार करते हैं। Cl2 plus H2O gives HOCl plus HCl। अधातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसमें अपवाद हैलोजन का है। जैसे Cl2 plus 2HBr gives CHCl plus Br2। क्लोरीन तनु हाइड्रोब्रोमिक के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसमें ब्रोमीन भी तैयार होता है। विशिष्ट परिस्थितियों के तहत अधातु हाइड्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, जैसे अनुकूल तापमान, दाब और उत्प्रेरक का उपयोग इत्यादि। जैसे सल्फर एक विशिष्ट तापमान में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त होता है। S plus H2 gives H2S। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होकर अमोनिया प्राप्त होता है।
N2 plus 3H2 gives 2NH3.